Very good morning, students. Today, students, we will continue exercise 6.5. First three questions of this exercise we have already done. Now, students, question number 4. Yes. Fourth question, open page number 130. Which of the following can be the sides of a right triangle? इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास साइड्स गिवन है और आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सी साइड्स जो हैं वो राइट एंगल की होगी. ठीक है, तो राइट एंगल की साइड पे एक हमने पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स हमने किया था. यस, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस इज ए बी सी. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल किस पे है? बी पे. तो जो भी राइट एंगल होगा उसकी जो अपोजिट साइड होगी दैट इज द ग्रेटेस्ट साइड. दैट इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल. यस, ये ग्रेटेस्ट साइड है. अगर इसका लेंथ सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी. अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स फर्स्ट कार्ड में साइड्स गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो आपको चेक करके बताना है कि जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की है या नहीं. अगर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं तो उसमें क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट साइड है, जो सबसे बड़े वाली साइड है, यस, उसका स्क्वायर जो अदर टू साइड्स हैं उनके सम स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. तो लेट अस चेक, हम चेक करेंगे. इसमें ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है स्टूडेंट्स? 6.5 सेंटीमीटर. यस, अब इसमें हम 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर मतलब इसको क्या करना है, आपने टू टाइम्स मल्टीप्लाई. अब 6.5 को अगर आप 6.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यस, तो ये स्टूडेंट आपके पास आएगा 42.25. अब ये साइड और इस साइड को भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे. 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यह आपके पास 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 625, तो पॉइंट नाइन आएगा 6.25 प्लस 36. और जब हमने इनको प्लस किया तो कितना आया? 42.25. यस, ग्रेटेस्ट साइड थी इसमें 6.5 सेंटीमीटर, हमने उसको उसका स्क्वायर किया था 42.25. ठीक है, अब बाकी टू साइड्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यह आएगा 6.25 प्लस 36. इन दोनों को प्लस किया 42.25. अब ये इक्वल आ गया स्टूडेंट्स. तो ये 6.5 का स्क्वायर इक्वल है किसके? 2.5 स्क्वायर प्लस 6. हाई फोर्टिन्यूज, ये आपके पास मतलब जो 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ वाली जो साइड है दिस इज हाई फोर्टिन्यूज और बाकी क्या है? टू साइड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यस, ये जो साइड है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी. और लास्ट में लिखा है थ्री साइड्स, थ्री पार्ट्स है ना इस क्वेश्चन के, लास्ट में लिखा हुआ है इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स. यस, अब वो कह रहा है कि अगर ये आपके पास हो जाती है साइड्स, यस, दे कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. यस, तो ये लाइन आप राइट करेंगे. ठीक है कि ये जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की हो सकती है. अब राइट एंगल कौन सा होगा? यस, अब देखिए जैसे ये फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी, एक ये आपके पास ग्रेटेस्ट साइड होगी पाइथागोरस प्रॉपर्टी. अब इसमें स्टूडेंट्स ये जो साइड है 90 डिग्री इसके सामने वाली साइड होती है ग्रेटेस्ट साइड, और ये दोनों साइड्स कुछ भी हो सकती हैं. दिस विल बी, ये भी हो सकता है आपके पास 6 सेंटीमीटर और दिस इज 2.5 सेंटीमीटर. तो ये एक्स राइट एंगल कौन सा होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम राइट एंगल कौन सा होगा. राइट एंगल, राइट एंगल विल बी इन द फ्रंट ऑफ द साइड, ऑफ द साइड 6.5 सेंटीमीटर. यस,
राइट एंगल कौन सा होगा, ग्रेटर साइड के सामने वाला होता है, यस। तो यस इसको भी राइट करेंगे आप स्टूडेंट्स कि राइट एंगल विल बी इन द फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। तो बस आपने इसी तरह से चेक करना है, जो भी बड़े बड़े साइड होंगे उसका सम करके स्क्वायर करके चेक करेंगे। अगर अदर साइड के सम देखो आएगा तो यस ये साइड होंगी राइट एंगल ट्रायंगल की, अदरवाइज और अगर होंगी तो राइट एंगल का होगा ग्रेटर साइड के सम। ये दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। यस सेकंड और थर्ड स्टूडेंट डू इट योरसेल्फ, सेकंड थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यस फिफ्थ क्वेश्चन, ए ट्री ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट स्टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। यस देखो स्टूडेंट, सपोज ये ट्री है आपके पास, ये कोई ग्राउंड है ठीक है, ये बेस है एंड दिस इज ट्री और ये 5 मीटर हाइट के बाद ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर हाइट के बाद जो बाकी बचा वो ऊपर वाला ट्री है ना, ये ऐसे करके मतलब ये ग्राउंड पे गिर गया इस तरह से ठीक है स्टूडेंट्स। यस ये कोई ट्री है आपके पास ठीक है, दिस इज ट्री सपोज 5 मीटर हाइट के बाद, ये जो 5 मीटर हाइट है ये वाला जो ट्री है इस तरह से कुछ ऐसे करके ग्राउंड के साथ जो है गिर गया ठीक है, यहाँ से ट्री ये टूट के ऐसे ग्राउंड वाले लेवल के साथ इस तरह से गिर गया, ये ग्राउंड है। यस जी राइट करते हैं जी, बस दिस इज ग्राउंड दिस इज ट्री और अब आपके पास ये जो डिस्टेंस दे रखा है ट्री बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, इसके साथ में इसका हाइट है आपके पास, इसका लेंथ है 12। यस 12 मीटर, तो ट्रायंगल ए बी सी, तो ये राइट एंगल बन जाएगा जमीन और बेस, इस ये वाले बेस के साथ इस वाले ट्री के साथ ये राइट एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। इसके सामने वाली साइड कौन सी, क्या होगी आपके पास हाइपोटेन्यूज। यस ठीक है, सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज, मतलब यहाँ से ट्री इस तरह से गिर गया जमीन के साथ, तो ये वाला जो लेंथ गिवन है दैट इज 12 मीटर ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट कैसे फाइंड आउट होगी स्टूडेंट, ये हाइट आपके पास है 5 मीटर और ये वाली हाइट निकाल देंगे, ये वाली हाइट किसके इक्वल होगी ए सी क्योंकि ये टूट के ऐसे गिरा है, तो यस ओरिजिनल हाइट आएगा आपके पास ए बी प्लस ए सी। तो यस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। यस बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे आपके पास इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला एंगल क्या होता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर ठीक है, एबी स्क्वायर प्लस ये आपके पास इसके इक्वल होगा बी सी स्क्वायर। अब ए बी का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स आपके पास 5, बी सी का लेंथ कितना है आपके पास 12, 5 5 से 25 12 into 12 144 169। और जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स 169 का ये आएगा आपके पास 13 × 30, दिस इज ए सी स्क्वायर ठीक है, ए सी स्क्वायर और ए सी इंटू ए सी। यस 169 इसके इक्वल आ गया 13 × 30, तो ए सी का लेंथ कितना आएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। यस ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री स्टूडेंट्स, ओरिजिनल हाइट आपको बतानी है ना, क्वेश्चन ये है फाइंड द ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। यस इसके इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी, ए बी कितना है आपके पास 5 और यस और ये स्टूडेंट दिस इज मीटर, ये मीटर में आपके पास सॉरी इट्स अ मीटर नॉट अ सेंटीमीटर,
5 मीटर प्लस 13 मीटर तो ये आया 18 मीटर। हाइट कितनी आ गई आपके पास? यस 18 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओरिजिनल हाइट आपकी ट्रिकी 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब इन सभी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास एंगल्स क्यू एंड आर ऑफ अ ट्रायंगल PQR 25 एंड 65 व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ये आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है स्टूडेंट्स, दिस इज पी क्यू आर 25 डिग्री 65 डिग्री और एंगल मैन पी आपके पास नहीं है। अब आपको ये बताना है कि कुछ कंडीशंस गिवन है कि कौन सी कंडीशंस फुलफिल होंगी। अब ट्रायंगल के टू एंगल्स आपके पास गिवन है, आप एक थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, मतलब एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ए एस क्यू। ट्रायंगल के थ्री एंगल का सम क्या होता है? 180। तो एंगल पी एंगल का क्यू का वैल्यू 25 एंड आर इज 65 इक्वल्स टू 180। तो एंगल पी प्लस यह है आपके पास 180 डिग्री एंगल पी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू आ गई 90। यस, अब एंगल पी आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री जो एंगल है जहाँ पर राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड ग्रेटेस्ट साइड होती है, दिस इज द हाई हाइपोटेन्यूज। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बनेगी आपके पास? क्यू आर का स्क्वेयर इक्वल्स टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स पी क्यू स्क्वेयर प्लस यस आर पी स्क्वेयर। यस क्यू आर का स्क्वेयर ये एक तरह से हाइपोटेन्यूज है प्लस इक्वल्स टू दिस साइड प्लस दिस साइड पी क्यू स्क्वेयर प्लस आर पी स्क्वेयर। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो यस सेकेंड कंडीशन जो है स्टूडेंट इसमें ट्री होगी, उसने यही पूछा है विद राइट विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन में थ्री कंडीशन थी, ये सेकेंड है, सेकेंड इज ट्रू। यस क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। Find the perimeter of the rectangle whose length is 40 centimeter and the diagonal is 41 centimeter. Perimeter आपको find out करना है किसका? Rectangle का। Rectangle students opposite sides are equal। ये figure होती है? Yes। Suppose this is a rectangle, ये rectangle है, call it this is A, B, C and whose length is 40 centimeter। एक length है 40 centimeter, ये and the diagonal is 41 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। यस आपको क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर फॉर्मूला यूज करते हैं हम रेक्टेंगल में, 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है स्टूडेंट्स? यस अब इसमें क्या करेंगे हम? ये 40 है, ये 41 है। ठीक है यस ये रेक्टेंगल है। अब इसमें आपको पता है कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 90। This is a right angle. Rectangle में each angle is 90 degree. ठीक है? तो ये right angle हो गया, इसके सामने ये कौन सी side है? Hypotenuse. तो by Pythagoras property, AC square equals to AB square plus BC square. फाइंड आउट करनी है एंड बी सी स्क्वायर इज 40
41 स्क्वायर मतलब 41 को आपने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स. दिस इज इक्वल्स टू 1681 ab स्क्वायर प्लस 1600. यस ठीक है फ्रेंड्स. अब यहां से ab का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसको आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये प्लस में माइनस में चेंज हो जाएगा. ab स्क्वायर माइनस का क्या आएगा, ये 81 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. अब 81 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ये आएगा 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाई ए बी. आपको ए बी का लेंथ चाहिए तो ए बी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. ए बी कितना आ गया, ये 9 सेंटीमीटर. क्लियर फ्रेंड्स. अब ए बी आपके पास 9 है, पेरीमीटर निकालना है आपने. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सम ऑफ ऑल साइड, और यू कैन यूज द फॉर्मूला 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 इनटू दैट, यस, ये कितना आ गया आपके पास. अब अगर ये 40 है, ये भी आ गया आपके पास, ये भी साइड कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर. तो यस ठीक है फ्रेंड्स, ये भी 9 होगा और ये भी 40 होगा. अपोजिट साइड से रिकरिंग रेक्टेंगल, ये 40 है, 40 है, 9 है, सबको प्लस करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 40 प्लस 9, 2 इंटू 49 इक्वल्स टू 98 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर कितना है स्टूडेंट्स आपके पास, 98 सेंटीमीटर. दिस इज द पेरीमीटर. क्लियर. नेक्स्ट है अब आपके पास, यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 8, यस, द डायग्राम्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरिमीटर. रोम्बस के आपके पास डायगनल्स गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है. सपोज दिस इज अ रोम्बस, इसकी टू डायगनल्स निकालने तो आपके पास गिवन है 60 एंड दिस इज ए बी सी डी. अब इसमें एक जो है ग्रेटेस्ट होता है और एक स्मॉल, एक छोटा एक बड़ा, टू डायगनल्स होते हैं. तो हम छोटे वाले को ले लेते हैं, बी डी की तरफ हमने ले ली 16 सेंटीमीटर और ए सी हमने ले लिया, ये है कितना स्टूडेंट्स, 30 सेंटीमीटर. रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. रोम्बस में क्या होता है आपके पास, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है, और जो इसके डायगनल्स हैं वो एक छोटा एक बड़ा होता है. तो ए का लेंथ हमने जो छोटा है उसको 16 ले लिया, बी डी और ये ए सी को ले लिया 30 सेंटीमीटर, और ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, और जहाँ भी बाइसेक्ट करते हैं उसको मिड पॉइंट, ठीक है, मिल जाता है. तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे. तो इट मीन्स ये क्या है आपके पास, दोनों का मिड पॉइंट जहाँ ये बाइसेक्ट करें. तो ये स्टूडेंट्स अब देखिए आप ट्रायंगल, इसको हम नेम दे देते हैं इस पॉइंट को जहाँ ये बाइसेक्ट, दिस इज ओ. ये पॉइंट क्या है आपके पास, ओ. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी. अब बी डी कितना है आपके पास, 16. ये कंप्लीट 16 है, ये मिड पॉइंट है, हाफ हाफ. ये कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर. ये टोटल आपके पास है 30, तो हाफ कितना होगा, ए सी का हाफ ए ओ, दिस इज 15 सेंटीमीटर. यस, मतलब जो बी डी का हाफ दैट इज 8 और ए सी का हाफ हमने ले लिया ए ओ इज 15 सेंटीमीटर. तो यस, चाहे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए ओ इक्वल्स टू 30/2 प्लस 15 सेंटीमीटर and OD equals to 16/2 equals to, yes, 8 centimeter. So by Pythagoras theorem, by Pythagoras property, अब right angle के सामने वाली side, ये greatest side होती है, जिसका hypotenuse, तो AD का square इसके equal आ जाएगा, 8 square plus 15 square, direct right करेंगे. 225
जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ए डी स्क्वेयर, यस ए डी इंटू ए डी 17 × 17 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, तो यस ए डी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 17 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना था, यस पेरीमीटर ऑफ रंबस, तो यस पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ये ना आपके पास यस रॉम्बस 4 × 7। अब ये एडी आपके पास क्या है, दिस इज साइड, साइड ये है क्या आपके पास स्टूडेंट्स, यस तो 4 × 17 = 68 सेंटीमीटर, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस। क्लियर स्टूडेंट्स, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली और उसमें बाइसेक्ट कर रहे डायगोनल्स, तो ये भी हाफ आ गया, ये भी हाफ आ गया, फिर हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी से साइड फाइंड कर। यस नाउ एक्सरसाइज कंप्लीट, मैं होमवर्क राइट करती हूँ स्टूडेंट। कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।